तो आज मैं आपको लैपटॉप के ऊपर माइनिंग करके दिखाऊंगा एंड साथ में लास्ट 24 आवर की मैं अपनी अर्निंग में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट 24 आवर से माइनिंग कर रहा हूँ इसी लैपटॉप के ऊपर। तो प्रोसेस बताता हूँ आपको क्या है, माइनिंग करके दिखाता हूँ एंड अर्निंग बताता हूँ इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर दें। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि यार 24 घंटे टेस्ट किया है पहले कि कैसे माइनिंग हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है, सब चीज़ें टेस्ट की हैं तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड लैपटॉप भी 24 घंटे से मेरा ऑन ही है, तो लैपटॉप की क्या कंडीशन है 24 घंटे ऑन रखने में वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले थोड़े डिस्क्लेमर्स की बात कर लेते हैं। तो लाइक जैसे माइनिंग करते हैं तो जो भी इंटरेस्टेड है माइनिंग करेंगे जो भी, तो मतलब लैपटॉप को 24 24 घंटे, मतलब वैसे तो लगातार चलती है माइनिंग, तो आपको जितनी भी देर माइनिंग वगैरह करनी है तो उतनी देर आपका लगातार लैपटॉप ऑन रहेगा। तो ओवरहीट की वजह से या ज़्यादा देर यूज़ करने की वजह से वैसे ख़राब तो नहीं होते, लेकिन बाई चांस अगर हो जाता है आपका तो मेरे पे ब्लेम ना डालना। बाकी ओवरहीट तो नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर्स अच्छे ही रहते हैं जितना मैंने टेस्ट किया 24 घंटे में। एंड मेरे लैपटॉप का टेम्परेचर्स कितने जा रहे थे वाइल माइनिंग वो भी आपको मैं बता दूंगा। दूसरे डिस्क्लेमर की बात करें, जो भी माइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंस्टॉल करना, सिंपल ही है, एक ही सॉफ्टवेयर से सबको इंस्टॉल हो जाता है। तो उसमें वायरस होता है तो आपको एंटीवायरस आपका मतलब ऑफ़ करना पड़ता है, उसकी वायरस प्रोटेक्शन ऑफ करनी पड़ती है। वैसे लगता नहीं है कि सॉफ्टवेयर में वायरस होता है इनके, लेकिन जो एंटीवायरस है ना वो इनको वायरस ही मानता है, तो इसलिए वो डाउनलोड होने नहीं देते सॉफ्टवेयर को एंड प्लगइन इंस्टॉल होने नहीं देते। तो इसलिए आपको ऑफ़ करना पड़ेगा आपका एंटीवायरस, कोई भी है विंडो डिफेंडर या कोई भी आपने खरीद के इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको वो ऑफ़ करना पड़ेगा। तो यही दो मेन डिस्क्लेमर है। तो अब बताते हैं कैसे आपको सब कुछ करना है। सबसे पहले आपको खोलनी है एक वेबसाइट जो कि है, गूगल पे लिख देना नाइस हैच, NICEHASH, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको साइन इन कर देना है। मतलब साइन इन करना बिल्कुल सिंपल है, फेसबुक पे अकाउंट बनाने से भी इजी है। तो ये मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है अपना, मैंने लॉग इन कर लिया, तो बहुत ईजी है, बस वेरीफाई कर लेना, ईमेल पे आपके आ जाएगा कोड वगैरह, तो सिंपल है, जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं ना उससे भी ईजी है। तो ये मेरी खुल की प्रोफाइल, तो ऐसा आपका इंटरफेस आएगा जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करोगे, तो आपके 0 0 यहाँ पे दोनों तरफ होंगे। तो दो मैंने लैपटॉप ऐड किए थे, तो मेन इसी पे मैंने माइनिंग की है, तो इसी पे अर्निंग जो हुई थी वही शो करूँगा आपको। तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, आपको क्लिक करना है माइनिंग पे। तो थोड़ा मैं इसे जूम कर देते हैं, थोड़ा पास ले आते हैं कैमरे को। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार लैपटॉप की वीडियो बना रहा हूँ तो लैपटॉप भी दिखना चाहिए ना कि लैपटॉप पे ही माइनिंग हो रही है, पीसी तो वैसे है भी नहीं मेरे पास। तो ये आपने ये माइनिंग वाला खोल लिया, फिर आपको जाना है यहाँ पे डाउनलोड माइनर और ऐड जो भी लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है नाइस हैश माइनर पे। तो यहाँ पे AMD का ग्राफिक कार्ड, इंटेल का CPU, NVIDIA ग्राफिक कार्ड, मतलब इस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको ये कहेगा डिसेबल वगैरह कर लो अपना एंटीवायरस वगैरह, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपका ये इंस्टॉलर आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपका अगर आपने एंटीवायरस डिसेबल नहीं किया होगा तो कोई कोई एंटीवायरस उड़ा देंगे, डाउनलोड होने नहीं देंगे, तो ये डाउनलोड कर लेना। तो ये मैंने देखो इंस्टॉल किया हुआ है नाइस हैच माइनर। तो जब इसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपसे मतलब प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करवाएगा, तो नेट कनेक्ट होना चाहिए आपका, तो सभी चीज़ें इंस्टॉल कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ऑलरेडी एक लैपटॉप यूज़र हो या पीसी यूज़र हो, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने आते हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो बस ये ओपन हो रहा है, मतलब मेरा तो ऑलरेडी 24 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऑन होने में टाइम लगता ही है तब भी, तो फर्स्ट टाइम तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा ही, मतलब इतना भी नहीं, मतलब डाउनलोड वगैरह होंगे सॉफ्टवेयर वगैरह, प्लगइन्स वगैरह, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक कोड मांगेगा, तो जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करो ना कोड मांगेगा, तो कोड आपका यहीं पर आ जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे ना। तो ये देखो मेरा माइनिंग कोड नहीं आ रहा वो तेरी, तो ये माइनिंग कोड आपको यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ पर आपका मांगेगा शुरुआत में, तो वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है ताकि आपका जो भी माइनिंग करेगा, आपका जो भी अर्निंग होगा वहाँ पे आपका डैशबोर्ड में मतलब आता रहेगा, यहाँ पे आपकी अर्निंग स्टोर होती रहेगी। तो इसे हाइड करने की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे भी मेरा कोड डालोगे तो माइनिंग करोगे तो अर्निंग मेरे पास आएगी मेरे कोड पे, मतलब ये सीन है इसका। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह को सारे मतलब डाउनलोड कर लेने हैं, तो ये मैं भी कर लेता हूँ।
तो सारे प्लगइन्स वगैरह आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने हैं। एक आध में मतलब वायरस निकलेगा तो एंटीवायरस डिसेबल होना चाहिए आपका। ये देखो तो अभी मेरा एक रिमूव हो गया था क्योंकि एंटीवायरस ऑन रह गया था कई बार मेरा। तो फिर जाना है आपको बेंचमार्क में, यहाँ पे आपकी सीपीयू की अगर ऑप्शन ऑन रहती है तो आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि आपने मतलब सीपीयू माइनिंग नहीं करनी है हमने, तो इसे आपको ऑफ रखना है। जीपीयू माइनिंग आपकी ऑटोमेटिक ऑन रहेगी। फिर आपको क्या करना है, सभी को मार्क कर देना है, तो ये सभी को मार्क कर देना है। तो फिर आपको स्टार्ट बेंचमार्किंग में क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक बेंचमार्क करेगा आपके लैपटॉप की स्पेक्स को देखते हुए कौन सा मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा, एल्गोरिदम कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सी स्पीड ज़्यादा दे रहा है, सब ये ऑटोमेटिक काम करेगा सब कुछ। और ये स्टार्ट बेंचमार्क आपको क्लिक कर देना है, तो कुछ में एरर भी आएंगे बेंचमार्किंग में, तो उसे आप इग्नोर कर देना क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते, इसलिए एरर आ जाएंगे। तो जो जो सपोर्ट करते हैं वो आपके ग्रीन लाइट मतलब ग्रीन कलर में आ जाएंगे। तो फिर आपका देखो यहाँ पे बेंचमार्किंग अभी चल रही है डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है, दो पेंडिंग है। तो जब आपकी बेंचमार्किंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, सीएमडी खुल जाएगा आपका। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो जो मेरी माइनिंग चलेगी ना वो चलेगी जेड हैश से, तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसी के अंदर आ रही है एंड सबसे ज़्यादा वैल्यू भी हमें मतलब अर्निंग भी यही दे रहा है। तो दो भी दो पेंडिंग में है, देखो ये वाले हो रहे हैं ऑक्टोपस वाले एंड ये बीम V3, तो एक रह गया बस बेंचमार्क में। तो ये एरर आएंगे ना वो इग्नोर कर देना आप, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं है हमारे लैपटॉप के लिए, तो वो एरर आ जाएगा बेंचमार्क में। जो जो ग्रीन में बेंचमार्क लिखे हैं वो बेंचमार्क हो चुके हैं, तो उसमें से आपकी कोई भी माइनिंग के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो होगी माइनिंग स्टार्ट होगी मेरे, तो ये डैशबोर्ड पे गए देखो माइनिंग स्टार्ट हो गई। तो सीपीयू जीपीयू हमारे लैपटॉप में है, एक सीपीयू एक जीपीयू है, तो जीपीयू माइनिंग हमने करनी है खाली। तो ये हमारी देखो स्टार्ट हो चुकी है, तो ये चलता रहेगा। तो हमारी सक्सेसफुली माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यहीं पे आप क्लिक करोगे आपकी यहाँ पे वही वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने स्टैट्स वगैरह देख सकते हो एंड टेम्परेचर्स वगैरह भी यही बता देता है, एंड मोबाइल ऐप भी आता है। मोबाइल ऐप में भी आप अपनी अर्निंग देख सकते हो एंड कंट्रोल कर सकते हो अपने मतलब माइनिंग को, कि आपको हाई स्पीड पे रखनी है, लो पे रखनी है, मीडियम पे रखनी है, एंड आपका टेम्परेचर भी बताता रहेगा जीपीयू का एंड कितना लोड है वो भी आपका बताएगा। एक और रिफ्रेश करता हूँ, अभी लोड भी आ जाएगा यहाँ पे लिख के कितना लोड है। वैसे 100% पे ऑलवेज चलेगा आपका ये जीपीयू, तो 100% पे चलेगा चलेगा क्योंकि लगातार माइनिंग होती रहती है। तो अभी शो हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये को मैंने लास्ट 24 घंटे की माइनिंग की है, तो अर्निंग में आपको दिखाता हूँ पहले एक बार लोड शो हो जाए कितना लोड है। ये देखो 100% लोड आ गया ना, तो ये दो चीज़ें आपको शो करेगा, 52 डिग्री जीपीयू टेम्परेचर एंड 100 डिग्री लोड है जीपीयू। एंड यहाँ पे स्पीड दिखाते हैं कुछ जेड हैश चल रहा है एंड ये स्पीड आ रही है कितनी स्पीड में माइनिंग हो रही है। तो जीपीयू माइनिंग करना क्योंकि जीपीयू माइनिंग पे आपको अच्छा वॉल्यूम वगैरह मतलब अर्निंग वगैरह मिलेगी। अब अर्निंग देख लेना फिर आप डिसाइड करना आपको करना नहीं करना। तो सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एक और मतलब सेम अकाउंट पे आपको एक और लैपटॉप ऐड करना है तो आपको अगेन वही डाउनलोड माइनर पे जाके ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना एंड आपका जो यहाँ पे कोड उठा के वो उसमें डाल देना, तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा वो वाला लैपटॉप या पीसी। तो सेम प्रोसेस है लैपटॉप पीसी के लिए। तो अर्निंग की बात करते हैं, देखो डैशबोर्ड पर मैं गया तो यहीं पर आपकी हो जाएगी शो, माइनिंग पर गया तो लास्ट 24 आवर की अर्निंग है। एग्जैक्ट अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने 4 बजे स्टार्ट की थी कल रात को, तो अभी 1:39 हुए हैं, तो लगभग अभी तीन तीन चार घंटे बाकी हैं, ज़्यादा बोल दिया थे, तो लगभग वही 2-2.5 घंटे या 3 घंटे बाकी हैं अभी 24 घंटे होने में। तो अर्निंग देखो कितनी हुई है, 41 रुपीज़ ओनली। तो ये डिपेंड करता है अर्निंग आपके जीपीयू के ऊपर। तो मेरा ये 4 GB वी रैम वाला जीपीयू है, 1650 है ग्राफिक कार्ड है, तो अगर 6 GB वी रैम वाला लगाओगे तो आपकी मतलब अर्निंग मतलब जो माइनिंग की स्पीड होगी ना वो और बढ़ जाएगी, तो आपको उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो एस्टिमेट यहाँ पे बता देता है, एस्टिमेट आपको दिखाऊँ मैं। तो यहाँ पे देखो अभी 24 घंटे का एस्टिमेट यहाँ पे कुछ देर बाद शो होना स्टार्ट हो जाता है, जब कुछ देर हो जाती है माइनिंग करते हुए। एंड यहाँ पे 1 साल का भी बताता है एंड दो मतलब देख लेते हैं कितना बताता है। तो वीकली इनकम भी बताता है एंड मंथली इनकम भी बताता है एंड ईयरली इनकम भी एस्टिमेट बताता है। कुछ देर बाद डाटा आता है जब थोड़ी देर माइनिंग हो जाती है, तो मैंने तो बंद कर दी थी वीडियो बनाने के लिए एंड दोबारा अभी चालू की है। तो 41 रुपये खाली बने हैं लास्ट
22 या 23 आवर्स के, तो बहुत ही कम है ये तो यार। एंड साथ में मैंने 30-50 लैपटॉप वाले पे ट्राई किया था, थोड़ी देर के लिए स्टार्ट किया था एंटीवायरस डिसेबल वगैरह करके, तो उसमें ज़्यादा आ रही थी, मतलब अर्निंग मतलब ज़्यादा दे रहा था थोड़ी ज़्यादा, तो उसमें थोड़ी देर चलाई थी खाली मैंने, बाकी 24 घंटे से भी चलाई है। तो जो भी अर्निंग आपकी होगी ना वो बिटकॉइन वगैरह में होगी, तो आपको ये BTC मिलेंगे। तो अभी देख लो 921 BTC हैं, जब यहाँ पे 1,000 हो जाएंगे, 1,000 होंगे ना, तब आपके जहाँ पे मतलब ये वॉलेट में आ जाएंगे। देखो ये वॉलेट है, ये देखो ये यहाँ पे वॉलेट है आपका, तो फिर आप इसे विड्रॉ कर सकते हो। आप अपने वो जो होते हैं ना ऐप, जैप पे, जो भी मतलब क्रिप्टो माइनिंग वाले, क्रिप्टो करेंसी वाले, मतलब जिसमें आप बाय करते हो क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह, जो भी आप इथेरियम वगैरह बाय करते हो, तो उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने ऐप के अंदर, फिर वहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हो। तो ये सिस्टम काम करता है इसका ऐसे। तो जब भी यहाँ पे 1,000 होंगे मेरे बिटकॉइन वगैरह, तो वो फिर वॉलेट में आ जाएंगे, फिर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे। बाकी अब 24 घंटे में तो देखो 39 रुपये, नहीं 39 नहीं, कितनी थी, 41 रुपये अर्निंग हुई है। तो देख लेना अब अपना हिसाब, ये आपको बता दिया जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड उतनी अर्निंग ज़्यादा। तो मेरे 1650 पे इतनी अर्निंग हो रही है। अब ये टाइम टाइम पे भी मैटर करता है, तो जैसे माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो अर्निंग कम होती रहेगी, माइनस कम होंगे तो अर्निंग बढ़ जाएगी, तो ये वैसे डिपेंड करता है। तो माइनिंग करना देखो है इजी, बस अब ये देखो अब मेरा लैपटॉप 24 घंटे ऑन रहता है, मतलब मैं तो अभी नहीं कर रहा, बंद कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट तो है नहीं, मतलब घाटा ही है उसे, तो इतनी तो बिजली यूज़ हो रहती होगी। तो अडेप्टर पे लैपटॉप लगा हुआ है, पूरा रात चला है, पूरा दिन चला है, तो ये तो ऐसे है तो अब घाटे का सौदा ही। 51 रुपीज़ हो चुके हुए हैं, नहीं एस्टिमेट बता रहा है, एक दिन का 51 रुपीज़ आप कमा सकते हो एक दिन में, तो 41 रुपीज़ है अनपेड बैलेंस, तो 41 रुपये 24 घंटे में कमाई है, तो बहुत ही घाटे वाला सौदा है वैसे तो। तो जितने ज़्यादा लैपटॉप आप अटैच करोगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी, जितना हाई एंड GPU अटैच करोगे उतनी अर्निंग आपकी बढ़ती रहेगी। तो जितने ज़्यादा बंदे मतलब लैपटॉप्स PCs उतनी अर्निंग ज़्यादा, एंड ये CMD में आपकी अर्निंग मतलब अर्निंग कह रहा हूँ माइनिंग चलती रहेगी। तो यहीं पे CMD के अंदर ही आपका ये टेम्परेचर भी बता देगा, वो 52% अभी और 52 डिग्री टेम्परेचर है GPU का, तो यही 50-60 55-60 के अंदर ही था पूरा रात मेरा टेम्परेचर पूरा दिन, तो कुछ दिक्कत नहीं है, इतना तो नॉर्मल रहता है। गेम में उल्टा ज़्यादा रहता है, गेम में तो 70-80 तक भी पहुंच जाता है GPU का। तो 24 घंटे ऑन रखो, अब कितने दिन ऑन रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, आपको करनी करनी ये तो पहले देखना पड़ेगा आपको। तो अर्निंग होगी तभी करोगे आप, वैसे तो कोई टाइम वेस्ट करेगा नहीं ऐसे, तो देख लेना आप। वैसे लैपटॉप में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ऑन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो मैं बंद कर दूंगा वीडियो के बाद, क्योंकि 24 घंटे मैंने टेस्ट कर लिया वीडियो बनाने के लिए। तो बस यही तक था जो था, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय यार।